हमारे जितने भी इंटरेस्ट होते हैं या पैशन बोल लो या जो भी बोल लो हमें जिस भी काम में इंटरेस्ट होता है हम कहते हैं मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से ये सब आ रहा है हमारे बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस पास्ट मेमोरी मतलब जो भी हमने बचपन से लेके अब तक गैदर किया है अब अगर हम इसके एक स्टेप फर्दर जाए तो बेसिकली होता क्या है जब हम कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या कुछ भी चल रहा होता है और हमें उसमें छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिसमें हमें अच्छा लग रहा होता है फॉर एग्जाम्पल मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो फुटबॉल के वक्त मुझे उस वक्त अच्छा लगता है जब कोई मेरे लिए तालियां बजा रहा है उस वक्त अच्छा लगता है जब मेरे टीममेट्स मेरी हेल्प कर रहे हैं मैं कोई गलती कर रहा हूँ मतलब तो छोटे छोटे मोमेंट्स आ रहे हैं ऐसे तो जब मैं फ्यूचर में याद करता हूँ कि मैंने फुटबॉल खेला था फिर मैं सोचता हूँ हाँ मेरा इंटरेस्ट है उसमें तो मुझे मजा आया था खेलने में तो अब मैं सोच रहा हूँ अगर ये केस है कि हमारा जो इंटरेस्ट है या जो भी पैशन है ये बेस्ड ऑन हमारी पास्ट नॉलेज है इसका मतलब हम अपना इंटरेस्ट किसी भी चीज में डेवलप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग मतलब मोस्ट ऑफ द लोग मैं इंक्लूडेड हमें पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई भी क्या मतलब पांच सब्जेक्ट है पांच में से चार सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होगा एक में होगा तो हम उन चार में भी इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं अगर यही सिनेरियो है तो, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ या फिर और कुछ डीप इस बारे में अगर आप बता सको इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं जिसको भी हम इंटरेस्ट बोलते हैं पैशन बोलते हैं और इसमें एक लेयर है जो आपकी बायोलॉजी है दैट इज जो आपका जेनेटिक कोड है जो आपका डीएनए है उसमें कुछ ऑलरेडी फीडेड है यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट की बात करी जाए तो कोई है जिसको कोई पर्टिकुलर तरह का फ्रूट अच्छा लगता है किसी और को अच्छा नहीं लगता है तो अब उसके पीछे क्या रीज़न है तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर जेनेटिकली कोडेड इन योर सिस्टम जो आपके अंदर ही बॉडी में कोडेड है फॉर एग्जाम्पल जैसी भी आपकी बॉडी है इस वक्त वो अगर आप देखोगे तो काफी हद तक मिलती जुलती है आपके पेरेंट्स से आपके ग्रैंड पेरेंट्स से क्योंकि वहीं से वो सब जीन्स आ रहे हैं तो इस चीज को हमको समझना होगा कि क्या है जो जेनेटिकली आ रहा है जैसे आपकी फूड प्रेफरेंसेस हो गई जो आपका बेसिक नेचर हो गया जैसे कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्टिविटी पसंद है कुछ है जो लेजी होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्टिविटी पसंद नहीं है तो कुछ चीजें हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है तो उसको क्या करना पड़ता है ऑब्जर्व करना पड़ता है बड़े आराम से आप बैठ करके ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या है मेरा जो बेसिक नेचर है इसको आप बेसिक नेचर भी बोल सकते हो तो आप अपने बेसिक नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हो हर एक का बेसिक नेचर अलग होता है आपका अलग है मेरा अलग है तो आपको अपने बेसिक नेचर को ही ऑब्जर्व करना होगा ऐसा नहीं है कोई और कर रहा है तो वो चीज आपके लिए अच्छी है फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है वो पहाड़ों में रहता है बचपन से ही तो उसके लिए एक तरह का खाना बहुत अच्छा है मान लो स्पाइसी फूड बट क्योंकि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स ने आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी भी इतना स्पाइसी फूड नहीं खाया है तो हो सकता है आप खाओगे तो आपके डाइजेशन के लेवल पे बहुत मेजर इश्यूज हो जाएंगे दैट इज वन अब आ जाते हैं माइंड के लेवल पे तो अब आप, आपने क्या किया कि कुछ चीजें कर रहे हो आपको पसंद है जैसे आपने एग्जाम्पल दिया फुटबॉल का कि भाई फुटबॉल आप खेलते हो आपको अच्छा लगता है जब आपके जो कोच है वो आपकी तारीफ कर रहे हैं तब अच्छा लगता है लेकिन जब इसका उल्टा होता है तो बुरा लगता है बेसिकली इट इज लिंक टू रिवॉर्ड बट क्या फुटबॉल में ही खेलने में आपको उतना मजा आता है ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है किसी भी और स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में आपको ज्यादा मजा किस में आता है तो आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे कुछ है जो आप जितना मर्जी कर लो उसमें मजा नहीं आता है या ये कह लो उस मजे को डेवलप करने के लिए अब इस एज में जो अभी आपकी एज है इट विल टेक है लॉट ऑफ टाइम जैसे पर्सनली मुझे फुटबॉल पसंद नहीं है खेलना देखना पसंद है खेलना पसंद नहीं है hmm. बट मेरे को बैडमिंटन बहुत पसंद है उसके अलावा वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद है उसके अलावा क्रिकेट बहुत पसंद है और इंडोर की बात करी जाए तो चेस पसंद है तो कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छा लगता है कुछ है जो नहीं लगता है अब जो नहीं लगता है उसको डेवलप किया जा सकता है बट दैट इज़ अ लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस अब आपने बात करी सब्जेक्ट्स की कि भाई पांच सब्जेक्ट होते हैं उसमें से एक पसंद है लेकिन चार पसंद नहीं है तो वॉट आर थिंकिंग इज कि वो चारों को मैं अगर प्रैक्टिस करता चला जाऊं तो वो पसंद आ जाएगा ऐसा नहीं है बेटर यह है कि पहले हम समझें कि हमारा पर्सनालिटी टाइप क्या है हमारा जो बॉडी का कंपोजिशन है वो क्या है हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं वो क्या है उसको हम समझें फिर उसके हिसाब से एक्ट करें तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है पर सर प्रेफरेंसेस ना अभी तक मैंने कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं ढूंढी जिस जो मेरी बेसिक नेचर की हो जितनी भी आई है सब मेमोरी से आई है तो वो चेंज हो जाती है कुछ टाइम बाद ये बेसिक नेचर वाली प्रेफरेंस कहां से ढूंढे जो बेसिक नेचर वाली जो चीजें हैं ना जैसे जो आपको पसंद है फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई ये पांच सब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक सब्जेक्ट मेरे को पसंद है वो एक सब्जेक्ट क्या है फिजिकल फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन आपको पसंद है प्लस फुटबॉल भी उससे कनेक्ट हो रहा है प्लस आपको देख के भी पता लग रहा है कि आप अपनी फिटनेस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो मतलब यू आर पैशनेट अबाउट फिटनेस तो एक ब्रॉड कैटेगरी तो हमको मिल गई ना दैट इज फिजिकल एजुकेशन तो अगर इतना ही हमको पता लग जाता है तो हमारी लाइफ बहुत हद तक तो शॉर्ट आउट हो जाती है फॉर एग्जाम्पल मान लो केमिस्ट्री है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है अब आप कह रहे हो नहीं मेरे को तो डेवलप करना है केमिस्ट्री में अपना इंटरेस्ट तो जब फिजिकल एजुकेशन में हो सकता है तो केमिस्ट्री में भी हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है बट बेटर यह है कि जिसमें नेचुरली आपके अंदर से जो इंटरेस्ट आ रहा है नेचुरली जिस तरफ आप इंक्लाइंड हो रहे हो hmm. उसी को तो पैशन कहेंगे उसमें आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है तो पहला स्टेप बड़े आसानी से आप क्रॉस कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूं आप समझ जाओगे आपको आम खाना मान लेते हैं अच्छा लगता है मैंगो अच्छा लगता है और मान लेते हैं करेला बुरा लगता है राइट तो अगर आप कोशिश करो अपने माइंड को प्रोग्राम करो रोज करेला खाओ और किसी तरीके से उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करो ये करो वो करो तो हो सकता है आपको करेला भी अच्छा लगने लग जाए हो सकता है बट उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है मैंगो के लिए आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है मैंगो जितना मर्जी खा लो हाँ उसको भी एक्सेस में खाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि तो फिर मैंगो भी अच्छा लगना बंद हो जाएगा तो वहां पे हल्की सी इसको बोलते हैं एक भूख को बचा के रखना होता है ये बहुत एक डीपर लेवल से मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं हो सकता है आप इसको रिलेट कर पाओ अपनी भूख को बचा के रखना होता है लाइफ में हर चीज में हर तरह की जो भूख है हमारी Hmm. आपको वही चीज जो कल अच्छी लग रही थी आज बुरी लगने लग जाती है अगर आप एक्सेस में कर लेते हो तो फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिकल एजुकेशन की बात करी फुटबॉल की बात करी तो अगर आप आठ घंटे तक फुटबॉल ही खेलते रहोगे तो अगले दिन मन ही नहीं करेगा फुटबॉल खेलने का बट नेचुरली मानो आपकी कैपेसिटी है दो घंटा खेलने की दो घंटे तक आपको लगता है कि यार मेरे को अच्छा लगता है तो दो घंटा खेल लो बाकी का टाइम बचा उसमें अपने फिजिकल एजुकेशन के बारे में स्टडी किया आप कितना स्टडी कर सकते हो कोई लिमिट नहीं है उसमें किस किस तरह की और क्वालिफिकेशन ले सकते हो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है कितना आगे जा yeah. सकते हो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है कितना डीप में जा सकते हो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है मुझे इसी चीज का कंफ्यूजन है कि ये मेरा बेसिक नेचर है या नहीं क्योंकि मैं ना बचपन से मेरे पेरेंट्स मुझे हर दिन पार्क लेके गए वो हमेशा से बाहर गए हैं वो बहुत इंकरेजिंग रहे हैं इस मामले में कि बाहर जाके खेलो शाम को बाहर जाओ घर पे मत रहो तो मुझे लगता है कि मेरा इंटरेस्ट वहां से आया ये मेरा बेसिक है यानी ये मैं श्योर sure नहीं हूँ पर मैं इंक्वायर करूंगा इसके बारे में ज्यादा और देखता हूं एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ध्यान से समझना तो इसका मतलब आप कह रहे हो बचपन में ही आपकी वो कंडीशनिंग हो गई है ये मेमोरी से नहीं आ रहा है दोनों में पहले फर्क को समझो एक है मेमोरी मेमोरी मतलब थॉट आप सोच सोच करके एक तरह का थिंकिंग पैटर्न डेवलप कर रहे हो एक है आपकी हैबिट वो भी मेमोरी का ही पार्ट है बट वो कहां से आ रही है प्रैक्टिस से तो मेमोरी में दो तरह की चीजें हैं एक है एट द लेवल ऑफ योर थॉट के बेसिकली मैंने ऐसे काम करे जो मुझे पसंद थे वो करने के बाद भी कुछ टाइम बाद में उससे बोर हो गया तो आप कोई ऐसे ही काम कर लेता हूं जो मुझे करने पसंद नहीं है तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा और फिर मैं उसमें आगे बढ़ जाऊंगा तो ये सब मेमोरी से आ रहा है ये सब क्या है थॉट है क्योंकि जैसे ही आप करने जाओगे कोई ऐसा काम जो आपको पसंद नहीं है तब आपकी जो पूरी की पूरी बायोलॉजी है आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कहेगा यार ये क्या कर रहा है बट जिसकी मैं बात कर रहा हूं हैबिट वो कहां से बनी है बचपन में तो आपने क्या कहा कि बचपन में मेरे जो पेरेंट्स है उन्होंने बहुत एनकरेज किया मेरे को बाहर जाने के लिए तो बचपन की जो कंडीशनिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है दैट इज एज स्ट्रांग एज जेनेटिकली जो आपकी कंडीशनिंग है बचपन में जो कंडीशनिंग होती है मतलब 10 से 15 साल की एज तक पैदा होने से लेकर के 10 से 15 साल की एज तक जो भी आपने किया है अब वो करना आपके लिए एफर्टलेस है तो उसी लाइन में अगर आप सोचोगे तो बहुत आगे जाओगे उससे हट करके कुछ सोचोगे तो फंसने के चांसेस फिर आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा यानी कि पहले उस बचपन की कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ेगा देखो जेनेटिक कंडीशनिंग तक तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल है हमें क्या पता जेनेटिकली क्या कंडीशनिंग है क्या नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स को और उन सबको जो पीछे की आपकी पूरी की पूरी चेन है उसको बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा जैसे अगर मैं अपना एग्जाम्पल दू तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जब देखता हूं यानी मेरे ग्रैंड मेरे के साइड के और उधर से भी मैं अपनी मदर के को देखता हूं तो दोनों ही मेडिटेशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे तो मे बी ये चीज जेनेटिकली मेरे अंदर आ गई है मेरी मदर के जो ग्रैंडफादर थे वो कई कई दिनों तक गोवर्धन में एक जगह है मैंने देखी थी वो वहाँ पर एक छोटी सी गुफा है कई कई दिनों तक उस गुफा में बैठ करके मेडिटेशन करते थे तो मेरे फादर के फादर वो ज्ञान योग की तरफ थे और मेरी मदर के जो ग्रैंड थे वो ध्यान योग की तरफ थे तो इसलिए ज्ञान प्लस ध्यान ये दोनों मेरे लिए बहुत ही एफर्टलेस है इसके लिए मुझे कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता है तो इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने पेरेंट्स को अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सबको बारीकी से ऑब्जर्व करो और समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्या है जो आपको मिला है विरासत में। अबाउट मनी एंड प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट योर जेनेटिक्स राइट दैट इज वन टू बचपन से देखो आपकी क्या कंडीशनिंग हुई है hmm. जैसे मेरे लिए भी जो आप बात बोल रहे हो उससे मैं बड़े आराम से रिलेट कर पा रहा हूं क्योंकि बचपन से ही मेरा भी स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लीनेशन रहा है मतलब सुबह घर से निकलता था खेलने के लिए छे बजे शाम को पांच छह बजे तक घर में घुस रहे हैं ये मैं बात कर रहा हूं मई जून के महीने की जब वो दो महीने की छुट्टियां होती थी yeah. भरी दोपहरी में गर्मी में दिल्ली की गर्मी आपको पता ये कैसी होती है वहां पर भी सुबह घर से निकला हूं शाम को घर में घुस रहा हूं तो वहां से स्टेमिना डेवलप हुआ है स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लीनेशन है तो वो सब चीजें मेरे लिए करना बड़ा आसान है दूसरी तरफ से कोई बच्चा है जिसको बचपन से ही बिठा दिया गया है पढ़ने के लिए चौबीस घंटे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो अब उसको बोला जाए एकदम से कि भाई तुमको जॉगिंग करनी है एक घंटे तक वो बेचारा घबरा जाएगा वो कहेगा ये क्या करवा रहे हो मेरे से बट उसको बोला जाए पढ़ना है तो उसके लिए बड़ा आसान है तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से समझना होता है जैसे आपने कहा कि भाई बचपन से ही आप बहुत एक्टिव रहे हो फिजिकली तो अगर कोई ऐसा ही प्रोफेशन चूज करते हो और अभी आप स्पेन में हो तो आई एम श्योर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है अब अगर कोई ऐसा काम आप करते हो जो आपके इस पैशन से रिलेटेड है दैट कुड बी ओपनिंग अप अ फिटनेस सेंटर इन इंडिया जैसा इंडिया में कोई और फिटनेस सेंटर ना हो मे बी अ चेन ऑफ दीस फिटनेस सेंटर्स आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं कि स्पेन में रह करके आपने ऑब्जर्व किया यहां पर क्या-क्या हो रहा है किस-किस तरीके से हो रहा है प्लस ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे हो वहां पर भी आप फिजिकल एजुकेशन के ऊपर स्टडी कर सकते हो उससे रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा या जो भी है वो ले सकते हो ताकि थेटिकल नॉलेज आपके पास में हो प्लस वहां पर भी आप देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं किस किस तरीके से कर रहे हैं प्लस आपको एक गैप नजर आएगा जो इंडिया में अभी भी नहीं हो रहा है फिर दिल्ली में या बॉम्बे में आप जा करके अपना कोई इस तरह का सेटअप शुरू कर सकते हो तो ऐसे अपने आप को समझना होता है हर लेवल पे और उसके हिसाब से एक्ट करना होता है